साथियों एटीएन सुपर क्लास गोरखपुर में आप लोगों का स्वागत है। साथियों 69,000 शिक्षक भर्ती से संबंधित जो मैटर था पहले, वो कुछ लोग उसको भी फोन किए थे तो थोड़ा बहुत उसके बारे में बताएंगे, तथा 72,825 से संबंधित मैटर और गणित विज्ञान से संबंधित मैटर उसके बारे में बताएंगे, तो वीडियो जरूर अंत तक देखिए। पहले हम चलते हैं गणित विज्ञान का, तो गणित विज्ञान की कल सुनवाई है, गणित विज्ञान की कल सुनवाई है। एक मेरी फाइल फाइनल हो गई थी और ज़्यादा संख्या तो है नहीं, इसलिए डाला जाता है क्योंकि वकील वहाँ मौजूद रहें, और जब वकील वहाँ हमेशा मौजूद रहेंगे एक काम यही करना रहता हो कि हर डेट पे एक वकील मौजूद रहे, जिससे हमारे साथ जुड़े हुए लोगों की फाइल जो है यदि कोर्ट मांगती है तो सरकार को तुरंत नोट करा दिया जाए। दिक्कत यही ये आती है कि बहुत सारे लोग जो है फाइल को डाल करके चले जाते हैं, ना उनका वकील रहता है ना कुछ रहता। होता क्या है कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमारा लेडी मेंशन है तो हो जाएगा, ऐसा नहीं है। वहां पे होता क्या है कि आपको नोट कराना होता है कि आपके आईए कौन सी है, कितने कैंडिडेट हैं। जिनका वकील उस समय मौजूद नहीं रहेगा वो आईए भले मेंशन है लेकिन छूट जाएगा। बाद में आपको जब समझ में आएगा दो दिन बाद या चार दिन बाद या ऑर्डर आ जाएगा तब समझ में आएगा, तब तक देर हो चुकी रहेगी। जब आपके ऑर्डर में आपका आईए मेंशन नहीं रहेगा तब आपको समस्या खड़ी हो जाएगी। इसलिए हर डेट पे आपका वकील का होना जरूरी है और हमारे वकील साहब हर डेट पे फिक्स है कि जाएंगे। दूसरी मैटर चलते हैं, 72,825 से संबंधित जो 24 फरवरी है, 24 फरवरी और 839, इन्हीं के मुद्दे पर ये हमारी फाइल तैयार है। अब बहुत सारे बेवकूफ ये कह रहे हैं जो बचे हुए लोग को नौकरी मिलेगी, इनको नौकरी नहीं मिलेगी। उन बेवकूफों को कौन समझाए कि 2017 के पहले जब सपा सरकार थी तब तुम कहाँ थे जब घोटाला हो रहा था? जब सपा सरकार में भयंकर घोटाला हुआ, कम नंबर वाला नौकरी पाया, अधिक नंबर वाला बाहर बैठा हुआ था, या रात रात में काउंसलिंग हो रही थी, फर्जीवाड़ा हो रहा था, तो 2017 के बाद जो आज प्रकट हो गया वो कहां गायब हो गया था? उस समय उसको ये बात उठानी चाहिए थी कि किसको नौकरी मिलेगी किसको नौकरी नहीं मिलेगी। ये इतने बेहूदे होते हैं, अवसर देख के प्रकट हो जाएंगे, अवसर देख के गायब हो जाएंगे। हम किसी का नाम नहीं ले रहे हैं, लेकिन जो वक्तव्य आ रहा है ये ऐसे ही जो है हमारे आपके बीच में, जो आपको ये नहीं चाहते हैं कि नौकरी करा। हम कह रहे हैं यदि 839 में माने 1100 में बचे हुए शेष लोगों को यदि नौकरी मिलेगी तो क्या 24 फरवरी के लोगों को नौकरी नहीं मिलेगी? इसमें 105 का अगर नाम है तो क्या 115 वाला बाहर बैठा इसको नौकरी नहीं मिलेगी? अरे बेकूफो, कौन तुमको समझा रहा है? ये कह रहा इसको मिलेगा इसको नहीं मिलेगा, यही आप बताओ। अगर इसमें 110 वाले का नाम है और 112 वाला यहाँ बैठा है 24 फरवरी में तो इसको नौकरी नहीं मिलेगी। अरे मूर्खों का कौन बताने जाए, उस समय जब 1100 याचियों का हो रहा था तो ये लोग कोर्ट में नहीं थे इसलिए ये नौकरी पा गए। अगर ये भी कोर्ट में होते, दमदारी से मैटर उठाए होते तो शायद ये आज नौकरी नहीं पाए होते। इसके मतलब वो चाहता ही है, ये जो इस बात को लेकर के बार बार उठा रहा वो चाहता है कि 115 वाला आज भी बेरोजगार रहे और बचे हुए लोग नौकरी पा जाएं। इसकी कितनी गंदी मानसिकता है, आज भी वो चाह रहा 112 वाला नौकरी पा जाए, 105 वाला नौकरी पा जाए, 112 वाला घर बैठ जाए। ये लोगों के बीच में शकुनी का काम कर रहा है, ये लोगों को ये बरगला रहा है कि नहीं ऐसा नहीं, इसको मिल जाएगा इसको नहीं मिलेगा। मूर्खों को समझाने की जरूरत नहीं होती है, तो इसलिए कह रहे हैं, हम बार बार कह रहे हैं 1100 में बचे हुए लोगों को यदि नौकरी मिलेगी तो 24 फरवरी में जितने लोग कोर्ट में रहेंगे उसको नौकरी मिलेगी। क्यों? क्योंकि अगर इसमें नाम 110 वाले का रहेगा 112 वाला बाहर नहीं रहेगा, 105 वाला नाम है तो इसमें 110 वाले का नाम होगा तब नौकरी मिलेगी, इसको भी मिलेगी, 105 रहेगा इसको भी मिलेगी, बस कोर्ट में होना चाहिए।
किसी की बातों में आकर के यही एक बार हुआ था कि बातों में आकर के जो लोग कहते हैं याची लाभ नहीं मिलेगा, कोर्ट से कुछ नहीं मिलेगा, उन मूर्खों को समझा दिया जाए, 69,000 शिक्षक भर्ती में उत्तर कुंजी के मैटर में याची ही लाभ मिला है। दूसरी उस मूर्खों को समझा दो कि 12,460 जो भी शिक्षक भर्ती जुलाई में नौकरी मिली है वो केवल याचियों को मिली है। अब ये जो है चमन बेकूफ ये क्यों कहता है कि नौकरी किसी को नहीं कोर्ट देती है, ये जीता जाता उदाहरण भी वर्तमान में चल रहा है। उसको जब याचियों को नौकरी मिल रही है, कोर्ट सुप्रीम कोर्ट दे रहा है, तो आपको क्यों नहीं देगा? हम बार बार कहते हैं 1100 में बचे हुए लोगों को 849 में यदि नौकरी मिलेगी तो 24 फरवरी को नौकरी 100% मिलेगी। ये 100% फिक्स है कि नौकरी मिलेगी। तो ऐसे लोगों से सावधान रहें जो आपको बरगला रहे हैं, क्योंकि वो चाहते ही है कोर्ट में आप ना जाओ। हो सकता है उसका कोई वहां हो या पैसा ले लिया हो। यही काम वहां भी होता था, पैसा ले लेकर के वहां लोग नहीं जाते थे, पैर भी करते थे। यही मैटर हुआ था प्रोफेशनल मैटर में, एक ऐसे मैटर हुआ प्रोफेशनल का गणित विज्ञान में। गणित विज्ञान में जब ये हुआ कि जो है प्रोफेशनल वाले गणित विज्ञान में माने ही नहीं गए, ये कोर्ट का भी फैसला था। उस समय जब फाइनल सुनवाई होने लगी तो जो लड़ रहा था इसका गुआ कारी गणित विज्ञान का, क्योंकि वो ऑलरेडी चयनित था गणित विज्ञान में, वो ऑलरेडी चयनित था। अब वो लड़ रहा था गणित विज्ञान में, वो गया क्या प्रोफेशनल के लोगों से पैसा ले लिया और वहां उसका वकील कुछ बोला नहीं और वहां केस खारिज हो गया। इतना बढ़िया केस था, खारिज हो गया और सीट खाली हो जा रही थी। तो ऐसे ही आपके बीच में जो बार बार निगेटिव फैलाते हैं, वो नहीं चाहते कि आप नौकरी करो, उनके साथ जुड़ो तो ठीक है, दूसरे के साथ अगर आप कोर्ट में जा रहे हो तो बेवकूफ है। उनके साथ सुप्रीम कोर्ट गए तो सही है, दूसरे के साथ सुप्रीम कोर्ट जा रहे हो तो बेवकूफ है। ऐसे लोगों से सावधान है। वहीं पर कुछ लोग कह रहे हैं कि जो है हम नौकरी कर रहे हैं, हम नौकरी दिला देंगे, तो एकदम गलत है। तो ऐसे लोगों से सावधान है। और एक मुद्दा और है, 90/105 में कुछ लोग कह रहे हैं कि हम जो है रिव्यू में आ गए। जब आप रिव्यू में क्यों चले आए, जब शुरू में कह रहे थे मेरा मैटर अलग है, हमारा केस अलग है, हम अलग 12091 से अलग सुनवाई कराएंगे। जब रिव्यू में जाना, आज भी हम रिव्यू में जा सकते हैं। मेरा मैटर भले कोर्ट में लगा है लेकिन हम रिव्यू में जा सकते हैं, लेकिन अभी हम नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि अभी मेरी पेंडिंग है। हो सकता है जो लोग रिव्यू में जा रहे हैं, हम यहां से एक एप्लीकेशन डाल के हम भी जो है अपनी जो केस पेंडिंग है उसी में हम सुनवाई करा लेंगे, तो हम क्यों पैसा खर्च करें। तो ऐसे लोगों से सावधान रहें जो रिव्यू के नाम पे लोगों को गुमराह कर रहे हैं। वो अंतिम व्यवस्था होती है रिव्यू, लेकिन रिव्यू कोई प्रथम व्यवस्था नहीं होती है। तो प्रथम प्रयास यही होना चाहिए नौकरी मिले। तो सभी साथियों से कहना चाहते हैं वीडियो जरूर अंत तक देखा करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।